भारत में कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसमें वैक्सीनेशन अभियान को बहुत तेज कर दिया गया है, तीव्रता ला दी गई है टीकाकरण अभियान में, जिसका तीसरा चरण जो है, जिसके तहत 18 से 45 साल की उम्र के लोग जो है रजिस्ट्रेशन कराकर और वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, ये शुरू होने वाला है 1 मई से। लेकिन उससे पहले ये जो एक अभियान है जिसका थर्ड फेज है, ये हिचकोले खा रहा है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। तीसरे चरण के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है कल शुरुआत हो गई। शुरुआत 4 बजे से हुई, लेकिन शुरू होते ही जैसे मामला डगमगाने लगा, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो लगा जैसे क्रैश हो गया हो, ऐप पर लोड बढ़ गया, जिसके चलते क्या हुआ कि सर्वर ने काम करना बंद कर दिया और एरर दिखाई देने लगा। लोग लगातार लगे रहे, कोशिश करते रहे कि सिस्टम चल पड़े, मैसेज आना चाहिए, ओटीपी आना चाहिए, कुछ नहीं हो रहा था, सिस्टम हैंग कर चुका था। लेकिन कुछ देर के बाद ये जो सिस्टम है दोबारा से चालू हुआ और कल के दिन यानी बुधवार को 79,65,720 रजिस्ट्रेशन हुए हैं युवा वर्ग के, जिसमें कि लोग अब उनको टीकाकरण हो सकेगा 1 मई के से शुरू होने वाले थर्ड फेज ऑफ वैक्सीनेशन जो है उसके तहत। ये जो पूरा का पूरा आप देखिए कोरोना वायरस को लेके जो हाहाकार मचा हुआ है, तबाही मची हुई है, ये कहीं ना कहीं हर किसी की जो सिस्टम है उसकी विवशता या उसकी फेलियर भी दर्शाती है, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मोदी रिजाइन हैशटैग भी चला फेसबुक पर, जिसको कल की ब्लॉक भी कर दिया गया इस हैशटैग को, लेकिन उसके बाद ये कुछ देर के बाद इसको खोला गया दोबारा जब लोग शिकायत करने लगे कि ये हैशटैग रिजाइन मोदी इस नाम से हैशटैग चला, और फेसबुक ने इसे कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया। और इस हैशटैग को ब्लॉक करने के बाद मामले ने जबरदस्त तूल पकड़ा, यूजर जो है वो शिकायत करने लगे, तब जाकर फेसबुक ने इसको दोबारा जो है वो ऑन किया। तो लगातार जो है एक तरह से कहिए देश भर में मांग उठ रही है कि प्रधानमंत्री जो है उनको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो थर्ड फेज का वैक्सीनेशन है उसमें अगर आप ध्यान दें तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है वो पूरा का पूरा मामला जो है राज्य सरकारों के कंधे पे डाल के उसने अपना पल्ला झाड़ लिया है। अब आप देखिए अलग अलग राज्य हैं जो लगातार कह रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में वो उनको दिक्कतें आ रही हैं, कई राज्य अपनी बेबसी दर्शा रहे हैं, जिसमें कि राजस्थान है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़, असम, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो ये बहुत सारे राज्य हैं, जिसमें कि एक खबर तो ये भी है कि जम्मू कश्मीर में जो प्रदेश सरकार है वो कंपनियों से बात कर रही थी वैक्सीन के लिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि 20 मई के आसपास ही उन्हें टीका जो है वो मुहैया हो पाएगी। तो ये जो दवा बनाने वाली, टीका बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो ऑर्डर पूरा करने में जुटी हैं, और इस वजह से जो जम्मू कश्मीर है वहां देरी से पहुंच पाएगी वैक्सीन। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है देश में, कई राज्य जो है वो इससे प्रभावित है, वो समझ नहीं पा रहे कि इस चरण को अंजाम एक्चुअली दिया जाए तो कैसे। वैसे आप देखिए कई राज्य तो इसमें ऐसे भी हैं जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आ रहे, अपनी दिक्कतों को बयां नहीं कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र में सरकार जो है वो भाजपा की है, लेकिन ये मामला लगभग हर राज्य में ऐसा ही है। तो राजस्थान सरकार ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट को 3.75 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है, लेकिन ये कब तक मिलेंगे ये अब तक साफ नहीं है। केंद्र से मिलने वाली वैक्सीन भी लगातार नहीं आ पा रही है। ऐसा ही आलम महाराष्ट्र में है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि टीकों की कमी के कारण अभियान शुरू करना मुश्किल है और कंपनियों की तरफ से अभी जवाब नहीं मिला है, लॉकडाउन भी वजह है, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि अभी 5 लाख के करीब डोज जो है वो महाराष्ट्र के पास हैं और बाकी के डोज जल्दी मुहैया कराए जाएंगे। तो इस तरह जो अलग अलग राज्य हैं अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भारत बायोटेक ने जुलाई तक कहा है कि वैक्सीन वो उपलब्ध करा पाएंगे, जबकि सीरम से वैक्सीन को लेकर अभी उन्हें जवाब नहीं मिला है। असम ने भी ये संकेत दिए हैं कि वो टीकाकरण अभियान जो है उसको टाल देगा, क्योंकि उनके पास 2.5 लाख टीके ही बचे हैं। लगभग यही आलम जो है, यही माहौल तेलंगाना में भी है, 1.5 लाख की खुराक बची है उनके पास, और युवाओं को टीके समय से
नहीं लग सकेंगे, जो 1 मई के तहत कार्यक्रम है। कर्नाटक में सरकार ने 18 से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण का काम 1 सप्ताह आगे बढ़ाने के लिए जो है वो संकेत दिए हैं कि अभी 1 मई से नहीं हो पाएगा, उसे टाल दिया जाए, 1 हफ्ता और आगे बढ़ाया जाए। तमिलनाडु ने सरकार ने प्रधानमंत्री का को पत्र लिखकर टीके की पर्याप्त डोज उपलब्ध कराने के लिए आग्रह किया है। तो ये जो तमाम राज्य हैं जो तकलीफ बता रहे हैं, अपनी अपनी मुश्किल बता रहे हैं कि उन्हें किस तरह की मुश्किल आ रही है, इससे लग रहा है ये जो तीसरा फेज है वैक्सीनेशन का, इसके लिए जो केंद्र सरकार है उसने पूर्वानुमान नहीं लगाया कि क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि एक 18 से 45 साल का जो ये दायरा है ये बहुत बड़ा होता है और इसके तहत देश की एक भारी जनसंख्या जो है आएगी। तो जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो ऐप क्रैश हो सकते हैं, सिस्टम हैंग हो सकता है। साथ ही साथ जो ये वैक्सीन की आपूर्ति ये 2 कंपनियां कैसे करेंगी, हालांकि स्पुतनिक जो है वो आ जाएगी, लेकिन स्पुतनिक के आने के बाद भी उसका वितरण कैसे होगा, पूरी प्रणाली कैसे फंक्शन करेगी। तो इन सब को लेकर जो केंद्र सरकार के पास जो अपना एक सलाहकार मंडल होना चाहिए, जिसके साथ मिलके काम करते हैं, जो प्रधानमंत्री को सलाह देने का काम करते हैं, क्या उन्होंने इस तरह के अनुमान नहीं लगाए थे कि जो पूरा का पूरा वैक्सीनेशन कार्यक्रम है तीसरे फेज का सिर्फ एक अनाउंसमेंट कर देने से नहीं होता है? क्या किसी राजनीतिक उद्देश्य से ये किया प्रधानमंत्री जी ने, या फिर वो एक्चुअली भावुक हो रहे हैं, वो एक्चुअली उन्हें जनता की दुख और दर्द दिखाई दे रहे हैं, और क्या वजह रही होगी कि उन्होंने बिना किसी तैयारी के इस तरह के जो है फैसले लिए, इस तरह की घोषणा की? तो क्या वो पल्ला झाड़ने के लिए राज्य सरकार के कंधे पर सब कुछ सौंप देना चाहते हैं ताकि केंद्र सरकार इस मुसीबत से बची रहे? तो आखिर मामला क्या है, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय लिखें और अपनी राय हमसे साझा करें, हमारे कार्यक्रम को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।